ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी को बाबा ने विजय का वरदान दिया है, मस्तक पर तिलक लगाया है, सिर पे हाथ रख दिया है, दृष्टि दी है, शक्तियां दे दी और कहा बच्चे विजयी भव, याद दिलाया तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो, इस माया को इन परिस्थितियों को तुमने कल्प कल्प जीता है, तो हमें अपनी विजय में निश्चय होता जाए, जितना निश्चय होता जाएगा विजय में, विजय उतनी ही समीप आती जाएगी। और यदि हमारे मन में अपनी विजय के प्रति संशय होगा या अपनी सफलता के प्रति संशय होगा तो उतनी ही ये चीजें दूर जाएगी। निश्चय बहुत बड़ी चीज है, स्वयं में निश्चय, अपनी सफलताओं में निश्चय, अपने श्रेष्ठ भाग्य में निश्चय, अपने श्रेष्ठ निर्णय में निश्चय, अपने बारे में ये निश्चय आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। बाबा में निश्चय, उसकी हर बात में निश्चय, जो उसने कह दिया वो संपूर्ण सत्य है। अगर हमारी वो समझ में नहीं आ रहा है तो अलग बात है, समझ ले उसमें कुछ गुह्य रहस्य भरा हुआ है जिसे आत्माएं नहीं समझ पा रही हैं, पर भगवान का हर कथन परम सत्य है। निश्चय, निश्चय हो कि वो हजार भुजाओं सहित हमारे साथ है, उसका साथ होने के बाद हमारा कहीं भी अकल्याण नहीं होगा, हमारी जीवन नैया डगमगाएगी जरूर, डूबेगी नहीं। हमें पूर्ण विश्वास हो भगवान हमारा साथी है, हमें उनके इन शब्दों में विश्वास हो, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं दौड़ा चला आऊंगा, मैं हूँ ही तुम्हारे लिए, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है। बाबा की इन गुह्य बातों में संपूर्ण निश्चय, ड्रामा का ज्ञान बहुत गुह्य है उसमें संपूर्ण निश्चय। ड्रामा की बहुत सारी पॉइंट्स हम लिख लें और अपने को जरा ध्यान से देखें, हर बात में मुझे संपूर्ण निश्चय है। जैसे जो कुछ हो रहा है वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, नथिंग न्यू, जो हो रहा है वही सत्य है और वही होना चाहिए, मेरा भाग्य बहुत श्रेष्ठ है, मेरा पार्ट हीरो है, इन सब में निश्चय है। साथ में इस स्थापना के कार्य में निश्चय, भगवान स्थापना का कार्य करा रहे हैं, विनाश भी इस कलयुग सृष्टि का होना ही है, आज नहीं तो कल, आखिर इस कांटों के जंगल को आग तो लगनी है, देरी केवल हम सबकी श्रेष्ठ स्थिति बनने की है। उसकी स्थापना के कार्य में, स्थापना करने के तरीके में विश्वास और निश्चय, उसके संपूर्ण पार्ट में निश्चय, अव्यक्त पार्ट जैसा चल रहा है उसकी गुह्यता को समझते हुए उसमें निश्चय, और फिर इस सुंदर परिवार में निश्चय, एक दो में निश्चय। इस तरह हम संपूर्ण निश्चय के द्वारा विजय की ओर तेजी से आगे बढ़ते रहें, विजय को अपना जीवन बना लें, अपना लक्ष्य बना लें, और याद रखें जो इस समय विजय रत्न बनेंगे, जन्म जन्म उनकी विजय होगी, माया पर भी विजय, तो हमें माया को भी जीतना है, कर्मेंद्रियों को भी जीतना है, अपने मन बुद्धि के व्यर्थ विचारों पर भी विजय प्राप्त करनी है, तो आइए आज अपने ऊपर विजय का ध्वज लहराएं। तो आज सारा दिन इस श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगे, मैं महान आत्मा, बाबा से विजय रत्न का मुझे वरदान मिला हुआ है,
विजय तो मेरी होनी ही है, चाहे किसी भी विकार पर विजय की बात हो। और अभ्यास करेंगे, इस देह को छोड़कर मैं आत्मा चली परम धाम। बैठ गई बाबा की किरणों के नीचे, स्वयं में शक्ति भरकर वापिस आ गई देह में और मुझे चारों ओर ये शक्तियां फैलने लगी जग कल्याण के लिए। बार बार ये आने और जाने की दिल करेंगे। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।